नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं 4 PM डिबेट। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान आए दिन कुछ नापाक करने की कोशिश में लगा रहता है, खासकर जब से चीन के 90% की आर्थिक सहायता से बनने वाली सड़क पाकिस्तान को मिली है, तब से ये भाईचारा और खिलकर बाहर आ रहा है। तभी तो बिना भारत को विश्वास में लिए चीन और पाकिस्तान पीओके में नई बस सर्विस शुरू कर रही है। हालांकि चीन और पाकिस्तान के बीच शुरू होने वाली बस सर्विस को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के बीच शुरू होने वाली ये बस सर्विस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरेगी। यही कारण है कि भारत ने इस पर विरोध जताया है। पाकिस्तान के लाहौर और चीन के काशगर के बीच पीओके से होते हुए नई बस सेवा 13 नवंबर से शुरू होगी। भारत पहले से ही चीन के इस बड़े प्रोजेक्ट का विरोध करता है और ये बस सर्विस विवाद की नई वजह बन गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि ये बस सर्विस भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान और चाइना की बिगड़ैल हरकतों का एक बार फिर भारत ने कड़ा विरोध किया है। इस बार भारत के विरोध का कारण है पाकिस्तान द्वारा पीओके से होते हुए चाइना तक की बस सर्विस की शुरुआत करना। भारत को जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि पाकिस्तान ऐसी किसी बस सर्विस की शुरुआत करने जा रहा है, तभी विदेश मंत्रालय ने इसका चीन और पाकिस्तान के सामने विरोध किया। इस बात की पुष्टि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने की। रवीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के तहत पाक के कब्जे वाले कश्मीर से होकर इन दोनों देशों के बीच प्रस्तावित बस सेवा को लेकर चीन और पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि 13 नवंबर से पाकिस्तान के लाहौर से लेकर चाइना के काशगर तक बस सर्विस की शुरुआत करने की प्लानिंग है। इस बस सर्विस को लेकर पाकिस्तान और चाइना द्वारा पूरी प्लानिंग भी कर ली गई है। बकायदा इसके लिए पाकिस्तान द्वारा लोगों को एडवांस बुकिंग भी दे दी गई है। आपको बता दें कि भारत हमेशा से पाकिस्तान और चीन के बीच बन रही सीपैक योजना का विरोध करता आया है। इस बार भी रवीश कुमार ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि पीओके से बस सेवा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। कुमार ने कहा कि भारत का यह रुख निरंतर रहा है कि साल 1963 का चीन पाकिस्तान सीमा समझौता अवैध और असामान्य है और इसे भारत सरकार ने कभी मान्यता नहीं दी है। भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों में ये मुद्दा एक और नया अध्याय जोड़ रहा है। देखना होगा कि भारत के विरोध के बाद क्या बस सेवा को रोक दिया जाता है या फिर चीन और पाकिस्तान अपने अड़ियल रवैये के साथ इसे जारी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। डिबेट को शुरू करने से पहले आज के मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवालों को आपको बता देते हैं। तो गुलिस्तान न्यूज के बड़े सवाल यही कि क्या चीन और पाकिस्तान को भारत के हिस्से में आने जाने का अधिकार किसने दिया? दूसरा सवाल ये, क्या पीओके के रूट का इस्तेमाल करने से पहले दोनों देशों को भारत को विश्वास में नहीं लेना चाहिए था? तीसरा सवाल यही, क्या सीपेक के बहाने चीन पाकिस्तान को अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है? और चौथा सवाल कि आखिर क्यों पाकिस्तान चीन के साथ इतना भाईचारा बढ़ा रहा है? पांचवा सवाल यही कि क्या पाकिस्तान चीन का मकसद बस ट्रेड और इकोनॉमिक ही है या भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं दोनों? डिबेट को शुरू करने से पहले अपने पैनल को आपसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार मखदूमी और बीजेपी नेता ताहिर चौधरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रमीज और हमारे साथ ताहिर चौधरी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल बीजेपी नेता ताहिर आप ही से है कि क्या सोचकर पाकिस्तान और चीन ने यह फैसला लिया? क्या भारत को इसमें इस फैसले को लेने से पहले विश्वास में नहीं लेना चाहिए था? देखिए, जहां तक चाइना की और पाकिस्तान की आप बात करते हो जी, तो पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है कि वो वहां पे सरकार नाम की कोई चीज होती नहीं है। सरकार के होते हुए भी जी, दूसरी एजेंसीज का वहां पे हुकूमत चलती है और ये वही एक है कि पाकिस्तान गुलाम तो है ही है, आगे पीछे जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनका। तो चाइना के साथ उनका ये एक रास्ता जोड़ना थ्रू बस सर्विस जो वो करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी ये बुखलाहट है इस टाइम पे जैसे वहाँ के हालात हैं। और
जहाँ तक हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हम लोग इस चीज़ का कड़ा विरोध करें और मुझे नहीं लगता कि ये सर्विस स्टार्ट हो पाएगी, और स्टार्ट भी हो पाएगी तो ज्यादा दिन चलेगी नहीं, ये बंद करनी पड़ेगी इनको। जी रमेश, जिस तरीके से रिपोर्ट भी सामने आई थी कि सीपेक कॉरिडोर के बनने के बाद 2 से 2.5% की जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की हो सकती है, पर क्या पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा कि 90% की जो आर्थिक मदद उसने चाइना से ली है वो उसके लिए बहुत मुश्किल का सबब बन सकती है? देखिए, पहले तो ये रियलिटी है कि मैं भी कल ये पढ़ रहा था कि चाइना पाकिस्तान बस सिर्फ सब रियलिटी बनने जा रही है, न कि रियलिटी बन रही है, वो तो इसको एज टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता उस ब्राउचर में लिखा है कौन सी डेस्टिनेशन पे बस रुकेगी नहीं रुकेगी। 70 साल में एक बड़ा अलमिया रहा है भारत पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, जब भी जम्मू कश्मीर के रिलेटेड फैसले किए गए, ये एक बड़ी रियासत हुआ करती थी, तो तीनों देशों ने जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो कि पहली स्टेक होल्डर थी, इस बात की कभी भरोसे में नहीं लिया। दूसरी अहम बात यह है कि जो यहाँ के भी हल्कों ने एक वाजे बात उठाई है कि अगर इंडिया इस वक्त अपोज कर रहा है चाइना पाकिस्तान बस सर्विस को, तो वो कैसे जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वहां तक बस फिर चला रहे हैं? फिर तो उनको वो बस सर्विस भी बंद करनी पड़ेगी अगर वो चाइना पाकिस्तान की बस को रोड आउट कर रहे हैं। अब ये एक और अहम मुद्दा है, जैसे आपने कहा कि सीपेक में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, चाइना का ही प्रोजेक्ट है, चाइना का ही इन्वेस्टमेंट है। अब इस क्षेत्र में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण ये हो रहा है कि चाइना को लग रहा है कि इंडिया को यूएसए मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को उस लड़ाई में अपनी शामिल कर रहा है, तो ये बड़ा गंभीर हो रहा है। इंडिया को यूएसए यूज करेगा, चाइना पाकिस्तान को यूज करेगा, ये चीजें दर्शाती है कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के करीब आना चाहिए, टॉक्स होनी चाहिए, ताकि चाइना और यूएसए का इन्फ्लुएंस से मुक्त किया जाए, जो हर किसी को सर्वनाश की तरफ ही ले जाएगा। ताहिर, साफ तौर पर जिस तरीके से हमारे साथ जो पत्रकार जुड़े हैं, मखदूमी जी भी कह रहे हैं कि जो एलओसी में बस सर्विस शुरू होने वाली है उसकी बकायदा स्टॉप पाकिस्तान बता चुका है, पर पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है? नहीं नहीं, पाकिस्तान पे हम लोग कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं जी। भारत देश ने जब पाकिस्तान पे भरोसा किया, जब जब हमने आगे हाथ बढ़ाया, एक कदम आगे बढ़ाया और हमने ये सोचा कि बात करने से मसले सुलझे जा सकते हैं। हमारा ये भी कहना था एक टाइम पे कि दुश्मन बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, तो हमारा एक टाइम से पाकिस्तान के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता था, हमने के देखा, लेकिन हमें कभी वहां से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला पाकिस्तान का। उनका हमेशा यही रुख रहता है, सामने से कुछ होते हैं पीछे से कुछ होते हैं, हमेशा उन्होंने पीछे से वार किया है, और ये चीजों को देखते हुए हम कभी भी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करेंगे। और जो पाकिस्तान चाइना के साथ अपने रिलेशन बिल्ड कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही ट्रैप होता जाएगा और आगे पाकिस्तान बहुत खराब हालात हैं आने वाले दिनों पे, आप देखेंगे कि हालात और उनके खराब होते जाएंगे। वहां के जो लोग हैं, वहां की जो जनता है, वहां का आवाम परेशान है पाकिस्तान से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये इस सवाल का जवाब देने के लिए। पर मखदूमी जी, साफ तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान अभी खुश हो रहा है इन नीतियों से, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति कैसी हो पाएगी पाकिस्तान की तरफ से? जी ताहिर साहब ने जो कहा, मैं इस बात का खंडन नहीं करूंगा, उनसे एग्री नहीं करूंगा। चाइना कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, चाइना ने सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी और भुखमरी से निकाला है, भारत और पाकिस्तान की तो अभी वो औकात ही नहीं है। यहाँ दिवाली के पटाखे फटते हैं तो वो चाइना के होते हैं, पाकिस्तान में ईद के पटाखे फटते हैं तो वो चाइना के होते हैं। चाइना एक बड़ा ही ग्लोबल रियलिटी बन चुका है, ये कहना कि पाकिस्तान अपनी टांगों पे आ जाएगा मेरा ख्याल ये नहीं है। अब बस यही है कि दोनों देशों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा और रिश्ते मजबूत करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान चाइना को साथ लेगा तो चाइना भी एक इस वक्त ग्लोबल पावर है, वो कोई अफगानिस्तान या सीरिया नहीं है, वो अफ्रीका में बढ़ा रहा है, श्रीलंका में बढ़ा रहा है। जिस तरीके से बार बार मखदूमी जी भारत पर नहीं, नहीं, नहीं लगा रहे हैं, क्या मेक इन इंडिया मेड इन चाइना से कमजोर है? ये मखदूमी साहब की अपनी सोच है, उनका अपना नजरिया है, जो बात बता रहे हैं। अगर आप मेरे हवाले से, मेरी तरफ से बात सुनेंगे तो एक आपको हिंदुस्तानी की बात मैं कर रहा हूँ होने की। हम मेक इन इंडिया, हमने बहुत डेवलपमेंट की है, बहुत तरक्की की है पिछले कुछ सालों में, और हम उसके ऊपर लगे हुए हैं, और आने वाले आज की डेट में बड़े बड़े जो देश हैं, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, वो इंडिया से एक कदम पीछे हट के बात करते हैं। हमारा वैसा रुतबा पूरी दुनिया में बन चुका है, हम किसी से कमजोर नहीं है, और इस चीज का जब भी कभी ऐसा, खुदा ना करे कि कभी ऐसा मौका आता है, तो हिंदुस्तान हर देश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
पर जिस तरीके से मखदूमी जी आप बता रहे हैं कि भारत में जो पटाखे भी फोड़े जाते हैं वो मेड इन चाइना होते हैं, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात आज देखने को मिल रहे हैं, भारत इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसको चाइना की मदद लेनी पड़ रही है। जी देखिए, आर्थिक स्थिति एक वक्त पे भारत की भी 1990 में खराब हुआ करती थी, जब मनमोहन सिंह फिर फाइनेंस मिनिस्टर हुए तो हालात ठीक हुए। एक सेकंड में 1960 में पाकिस्तान की भी आर्थिक स्थिति मजबूत हुए, लेकिन इन्हीं बातों को समझना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान को मेरे ख्याल से ये कह रहे थे कि हमने सख्ती दिखाई। मैं बीजेपी के दोस्त को कहूंगा कि 5 साल में सख्ती दिखाने का नतीजा क्या है? कश्मीर में रोज 10 लड़के बंदूक उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम 100 को मारेंगे, 100 के बदले 1000 बंदूक उठा रहे हैं। सख्ती किसी मसले का हल नहीं है। ये जितना हार्ड रुख रखेंगे मुद्दों को लेकर उतना ही चीजें बिगड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त लगभग 8 साल कोई नहीं मरा बॉर्डर पे, कोई सैनिक नहीं मरा। जितना ही हार्ड पॉलिसी एडवोकेट करेंगे उतना रिश्ते खराब होंगे, उतने हालात खराब होंगे। हार्ड पॉलिसी से कुछ नहीं निकलेगा इनको। देखिए मखदूमी साहब, कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं, वहाँ के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। अरे आप तो रोज मारते हैं, आप लोगों को कहे कि अपने हैं हम, आप तो हमें रोज गोली मारते हैं, आप तो नहीं नहीं मेरी 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 अपनी बात सुनिए, आप मुझे प्लीज इंटरप्ट नहीं कीजिए, मेरी बात सुनिए। वो हमारे अपने लोग हैं और हमें जितना दर्द कश्मीर के अवाम को होता है उससे ज्यादा दर्द हम लोगों को होता है, और हम उनके उन लोगों के लिए रास्ते खोलने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब गवर्नर साहब हैं हमारे इस टाइम पे, हम उन लोगों के लिए जितने 24/7 गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले थे कि कोई भी आए, जब मर्जी आए आके मिल सकता है। कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं। जहां तक आप खून खराबे की बात करते हो, पूरे सिरर के लोग, कश्मीर वैली के लोग, 95% लोग हिंदुस्तानी हैं, नेशनलिस्ट हैं। ये 5% लोगों का करा धारा जो चल रहा है, आज तक चल रहा है, वो ड्रामा खत्म होने की कगार पे। 95% हिंदुस्तानी नहीं है। आपका पंचायत इलेक्शन म्युनिसिपल इलेक्शन फेल हुआ, आपको 5% वोट भी यहाँ नहीं मिले, आप रोज रोज 3 लड़कों को मारते हैं, आपने 47 से गोली। नो, आप गलत कह रहे हो। सी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये कश्मीरी नहीं चाहिए, आप रोज कश्मीरी मेरी बात सुन लीजिए। आप देखिए, आप ये गुडी गुडी कहेंगे यहाँ पे, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुनोगे नहीं तो आप बोलते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। देखो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है? एक बार के लिए ताहिर जी की बात सुन लीजिए, जी जवाब दे दीजिए ताहिर जी। मखदूमी साहब देखिए, बहुत अच्छा मौका था मखदूमी साहब, आप मेरी बात से कहीं ना कहीं दिल में आप सहमत हो जाएंगे, अभी सामने ना हो तो। बहुत अच्छा मौका था कश्मीर की रीजनल पार्टीज के लिए कि जो अर्बन जो इलेक्शन स्टार्ट होने थे मुंबई के, उसमें पार्टिसिपेट करते। लेकिन कश्मीर की सियासत, अंदरूनी सियासत ऐसी रही, इन लोगों ने अपने टर्म्स में कभी ये इलेक्शन होने ही नहीं दिए, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे जमीनी सतह से जो नए लीडर्स होते हैं, जो नई जनरेशन होती है, वो पॉलिटिक्स में अपलिफ्ट करके ऊपर आए। ये जो भी पैसा आता है वो इनके कंट्रोल में रहता था। पहली बार सेंटर की सरकार ने बहुत मशक्कत के साथ और स्टेट की कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर ये इलेक्शन करवाने का प्लान आउट किया गया, और जब वो राइट टाइम आया उसमें जो भी रीजनल पार्टीज थी वो बैकफुट पे आ गई, उन्होंने क्विट कर दिया कि हम इलेक्शन नहीं लगे। उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए था और अच्छे रिजल्ट आते, अच्छा सब कुछ होता, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मेरी बात सुनिए, जब मैं बात करता हूँ इंटरप्ट क्यों करता हूँ, मैं आपकी पूरी बात सुनता हूँ। नहीं, मखदूमी साहब आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी, बात सुनिए। आप बहुत जहीन जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ, मेरी बात सुनिए। देखिए आपको जो मौका मिलेगा, नहीं, मैं दिल से बातें करता हूँ। और उमर अब्दुल्ला जी किस दुनिया के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो आपके आईन पे हलफ लिया था, आपको चाहिए था कि वो आपका नैरेटिव मजबूत। देखिए मखदूमी साहब, मेरी बात सुनिए, मखदूमी साहब बातें करते हैं, आपने लोगों को खोया है यहाँ पे, आपने कुछ नहीं पाया है। ये आप जब तक बंदूकों की भाषा नहीं बंद करेंगे तब तक कोई नहीं हल होगा। आप कश्मीरी के सर पे बंदूक रखे हैं तो एनसीबी चला गया, मखदूमी जी चला गया, और मखदूमी जी अब बात सुनिए, आप बेहद दुख है हमें जम्मू कश्मीर की आवाम का जो वो कुछ सह रहे हैं, पर ये नहीं झुटला सकते कि जिस तरीके के अलगावादियों ने उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, पाकिस्तान के आतंकवादी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में घुस आते हैं, आप बात सुनिए, जिस तरीके से आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुस आते हैं और उन लोगों को राह भटकाने की कोशिश करते हैं, दो रीजनल सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीति में हिस्सा नहीं लेती, लोकतंत्र का खराब करती है, लोकतंत्र का खंडन करती है, उसके बाद आप शांति की अपेक्षा करते हैं।
इतने सारे लोग वोट डालने नहीं आए, हो सकता था उन दोनों के पार्टिसिपेट करने से ये वोट के आंकड़े कितने ज्यादा अच्छे हो सकते थे। विकास की बात हम आए दिन करते रहते हैं, पर कितना विकास होता है? क्या अलगावादी, क्या भटके हुए ये नौजवान, क्या आप सुनिए, क्या ये राजनेता जो आए दिन अपने बयान को पलटते रहते हैं? फारूक अब्दुल्ला की बात आप करते हैं, कौन नहीं जानता फारूक अब्दुल्ला के बयान कैसे पलटते हैं? हर मिनट मिनट में उनके बयान बदलते रहते हैं। लोकतंत्र की हत्या वो लोग करते हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, फिर पार्टिसिपेट करना है, ये डबल स्टैंडर्ड्स बार बार पार्टियां दिखाती है। तो पार्टियों की बात तो आप करें ना, क्योंकि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ये ढील है जिसका खामियाजा जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ रहा है। देखिए मखदूमी साहब, मेरी बात सुनिए, चलिए ताहिर जी जवाब दे दीजिए, बार बार आरोप लगा रहे हैं मखदूमी जी, आप जवाब दे दीजिए। देखिए मैडम, मखदूमी साहब की मजबूरी है आरोप लगाना। हालात ऐसे हैं कि श्रीनगर की जो पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज, ये हमेशा टाइम टू टाइम अपने बयान चेंज करते हैं, और ये बयान चेंज करने से ही इनकी सियासत वहां पे गर्म चलती है। श्रीनगर में इलेक्शंस हुए, अब लोग जो इंडिपेंडेंट जीत किया है या हमारी पार्टी के जीत किया है, जितने भी परसेंटेज वहां पे वोटिंग हुई, अच्छी वोटिंग हुई, ऐसी कोई, जबकि वहां पे बंद काल थी, थ्रेट्स थी, सब कुछ था, तब उस हालात में भी उन लोगों ने वोटिंग की है। इस चीज को मखदूमी साहब को मानना होगा, और वहां पे भारतीय, फिर मखदूमी साहब इंटरप्ट मत कीजिए, आप सच्चाई से क्यों घबराते हो? सच्चाई देखिए, सच्चाई कभी नहीं छुपती है, सच्चाई सामने आती है, आपके ऊंचे बोलने से बातें नहीं दबेगी। मेरी बात सुनिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर, मखदूमी साहब मेरी बात सुनिए, ये ऊंचा ऊंचा बोलने से आप मुझे नहीं दबा पाओगे, कोई फायदा नहीं है। साढ़े चार साल में वो भी पीडीपी के साथ रहकर बीजेपी ने हमारी पार्टी ने कर दिया, तो बाकी पार्टियों ने क्या कर दिया जम्मू कश्मीर का, आप मुझे बता दीजिए कितना विकास हो गया? देखो मैडम, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जहां तक बात करते हो, जो उस टाइम पे सरकार बनाएगी, जिन हालात में सरकार बनाएगी, वो मैंडेट को लेके सरकार बनाएगी। यहाँ से मैंडेट हम लोगों को मिला था, वहां से डीपी को मिला था, और जो सरकार जिस ट्रैक पे हमने बनाई थी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनाई थी, और हमारा मेन एजेंडा था डेवलपमेंट लेके, और सरकार को करप्शन फ्री रखना था हमने, कि भी काम होगा प्रॉपर ढंग से होगा, प्रॉपर चैनल से होगा, डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के लिए फंडिंग की सेंटर से। मखदूमी जी, पर यहाँ बात पाकिस्तान और चाइना की हो रही है, पाकिस्तान और चाइना को अधिकार किसने दिया कि पीओके में बिना भारत को विश्वास में लिए वो इतना बड़ा कदम उठा ले? जी देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं पाकिस्तान और चाइना को किसने अधिकार दिया, मैं तो समुष्ट जम्मू कश्मीर को, जो चाइना के अधिकृत है, पाकिस्तान के अधिकृत है, भारत के अधिकृत है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इसका हाँ, तो डिस्प्यूटेड एरिया में चाइना और पाकिस्तान अपने आप निर्णय नहीं ले सकता, इसके लिए भारत को भी तो विश्वास में लेना चाहिए। दूध से धुला नहीं है, न भारत न पाकिस्तान न चाइना, भारत ने जिस तरह से 7 लाख बंदूकें कश्मीर पर रखी, फिलहाल सवाल वो नहीं है। बात समझिए, 8 लाख फौजी को यहाँ पर रखा है, वो भी सही बात नहीं है। अभी बात समझिए, अब बात ये नहीं है कि पाकिस्तान चाइना और भारत किसी का भी अधिकार नहीं है, बात ये है कि अगर डिस्प्यूटेड एरिया, जो जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, तो उसमें तीनों देश की इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर भारत चीन ने, पाकिस्तान और चीन ने ये फैसला लिया, तो क्या भारत को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था? सवाल ये है। जी देखिए, आपका सवाल वाजिब है, वही तो हम रो रहे हैं, 30 साल से हम मर रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं, हमारा हर शाम दुखी होता है, हमारा हर दिन दुखी होता है। मैं तो यही कहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से, एक मिनट के लिए शांति से सुनिए, जब तक भारत पाकिस्तान चाइना कंप्लीट कोऑपरेशन नहीं दिखाएंगे, तब तक जम्मू कश्मीर का सर्वनाश होता रहेगा, जम्मू कश्मीर का भुगतना पड़ेगा। इन तीनों देशों को कोऑपरेशन दिखा के हमारी जान छुड़ानी चाहिए, हम मर रहे हैं यहाँ पे अगर और पॉलिटिक्स खेली गई तो कश्मीर पूरा कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। और ये बीजेपी के दोस्त कह रहे थे, इनका तो एनसीपीडीपी यार हुआ करता था, आज तो उन्होंने भी इनका साथ छोड़ा, इन्होंने तो कश्मीर को हाथ से पिलाया है, ये तो आप कश्मीर की बर्बादी का जनाजा पढ़ रहे हैं, और किस शर्म से ये कह रहे हैं कि हमने हालात ठीक किए। ताहिर जी, बेहद गंभीर आरोप इस बंदूक उठा रहे हैं लोग। आप जैसा एक जर्नलिस्ट ऐसी बातें कर रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक आप बात करते हो, आप क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात? आप चलिए बोल लीजिए। जी बोलिए। हाँ देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा डेवलपमेंट का,
चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लेह लद्दाख हो, हम हमेशा पॉजिटिव एजेंडे पे रहे, हम लोग उसी चीज को लेके आगे चलते रहे। और उसका एक नजरिया भी था कि कश्मीर घाटी में कितने लोग हमारे मेंबरशिप बने, इस चीज को ये जानते हैं। हमारे हर एरिया में हमारे लोग वहां पे मेंबर्स बने और बल्क में हमारे लोग, हम लोग वहां पे अपना झंडा फहराने में कामयाब रहे हैं। उसकी ताकत, उसकी भारतीय जनता पार्टी की इस ताकत को लेके कश्मीर की रीजनल पार्टीज, कश्मीर का आवाम जो उस टाइप के लोग थे, एंटी नेशनल लोग थे, वो लोग कहीं ना कहीं घबरा गए हुए हैं, बुखला गए हुए हैं। और ये उनकी बुखलाहट कहीं थोड़ी थोड़ी मुझे पत्रकार साहब में भी नजर आ रही, धोमी साहब में भी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, आप हिंदुस्तान के साथ रहो, खुश रहो, हिंदुस्तान हर चीज में आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। आपको किसकी प्रॉब्लम है? खाते आप हिंदुस्तान का, मैडम मेरी बात सुनो, खाते ये लोग हिंदुस्तान के हैं। जी जी ताहिर जी, अब अरे हम अपना खाते हैं, हम किसी का नहीं खाते हैं। और रमीर जी, पाकिस्तान का प्यार दिल से निकालना पड़ेगा आपको, और हिंदुस्तान इन लोगों को गले लगाने के लिए तैयार है। तो हम सिर्फ गोली खाते हैं, ऐसी बात नहीं, आपकी तो टियर के शेलिंग खाते हैं आप, आपको तो क्रैक डाउन खाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी 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 देखिए देखिए, आप जैसे इंसान को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए प्लीज। आपकी रोशनी छीनते हैं रोज, आप तो हमें कब्रिस्तान पहुंचाते हैं, आपको तो वही खाते हैं खाना, आप तो हमारा पावर लेते हैं। जनाब मखदूमी साहब, हमेशा दुख सुख में हम लोग आपके साथ ही रहे हैं। आप साहब, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे स्टेट के हों, चाहे सेंटर के हों, कश्मीर के साथ रहे, दुख के टाइम भी साथ रहे, हम खुशी के टाइम पे भी साथ रहे। जब आपको याद होगा 2014 में जब फ्लड, और आप हमें कह रहे हैं आप खा रहे हैं हमारा, क्या खा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप लोग भूल जाते हो, आप लोग हमदर्दी भूल जाते हो। जिस टाइम पे हम लोग हमदर्दी करते हैं, वो वक्त भी याद रखा करो। उग्रवाद यही दो तीन लफ्ज़ में जीते और कश्मीर का दमन, 2014 का हिमा भी याद करो, जब पूरा कश्मीर डूब रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई हद नहीं छोड़ी थी आप लोगों को एडजस्ट करने में, आप लोगों की मदद करने में। आप करेंगे 2014 में आप डूब, नहीं 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 नहीं, आप पुरानी 2014 की वीडियो निकालिए, आप सब देखिए, आप लोग हमदर्दी का टाइम भूल जाते हो। जब रमेश जी, क्या लगता है पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर को लेकर क्या पॉलिसी है? लगातार आप भारत को घेर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है जम्मू कश्मीर को लेकर? हम कह रहे हैं पाकिस्तान को भी अपने स्टैंड में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, उसको नहीं, उसको भी जम्मू कश्मीर में जो, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमने लिखा है कि जो सीपैक यहाँ पे चल रहा है, जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट चाइना के साथ है, जो पाकिस्तान चाइना के साथ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चला रहा है, चाहे डैम्स बना रहा है या सड़कें बना रहा है या बिजली प्रोजेक्ट्स बना रहा है या और कोई भी मॉडर्न प्रोजेक्ट बना रहा है, हमने पाकिस्तान पे ये क्लियर कर दिया है कि वो हमारे लैंड से इसको खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान से न फिलहाल पास करे जब तक ना इस मुद्दे की कोई फाइनल सेटलमेंट है। पाकिस्तान भी उस जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा कि वो चाइना को हमारा लैंड देता जाए और प्रोजेक्ट बनता जाए। चलिए ताहिर जी, साफ देख तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही संवेदना है मखदूमी जी को, क्योंकि वो लगातार मान रहे हैं। पर मेरा बड़ा सवाल ताहिर जी आपसे कि केंद्र सरकार को इसको लेकर क्या नीति होगी? जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान की ये नीति बनी, उसको लेकर किस तरीके से कड़ा विरोध सिर्फ शब्दों में रहेगा, क्या सिर्फ शब्दों में रहेगा या कोई और भी तरीका आजमाएगा भारत? देखिए मैं आपको बताता हूँ इस टाइम पे पाकिस्तान और चाइना ने जो भी कुछ किया, जो इनका बस चलाने का जो प्लान आउट है थ्रू पीओकेजे से है, ठीक है, जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो और जो आगे ही हम लोग कहते हैं कि वो कश्मीर हमारा है, हमारे कश्मीर का हिस्सा है और वो हम वापस लेके रहेंगे, और उस एक डिस्प्यूटेड एरिया से वो थ्रू रोड अगर गाड़ी चलाने का सोच रहे हैं तो उसमें हिंदुस्तान किसी भी कीमत पे नहीं मानेगा और इस चीज़ का हम कड़ा विरोध करेंगे, हम नहीं चलने देंगे, और इस चीज़ के लिए उनको संभालना पड़ेगा, इस चीज़ को उनको बंद करना पड़ेगा। और देखिए ये गाड़ी नहीं चलेगी, बस सर्विस नहीं चलेगी आने वाले दिनों में, आपको ये ऑलरेडी बोल चुके हैं आज की डेट में ऑलरेडी फॉरेन अफेयर के प्रवक्ता ये पूछ चुके हैं। पर बड़ा सवाल ये कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जिस तरीके से बदल रही है और पाकिस्तान चाइना जिस तरीके से एक तरफ आ रहा है, भारत को इससे क्या कुछ समझने की जरूरत है और क्या नीतियां बनाएगा इसको लेकर?
जी देखिए 200-300 प्रोजेक्ट बन नहीं, चुके हैं, ये पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम उनको बस सर्विस नहीं चलाने देंगे। पाकिस्तान उस टाइप की कंट्री है, मेरी बात सुनिए, बहुत कमजोर कंट्री है पाकिस्तान। ये झूठ बोल रहे हैं आपके शो पे, मखदूमी साहब आप मुझे बोलने नहीं देते हैं, क्या क्या हो गया आपको? तो आपने उन प्रोजेक्ट को लेकर क्या किया? आप तो कह रहे हैं कि बस सर्विस को बंद करा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमीज मखदूमी जी जुड़ चुके थे और बीजेपी नेता ताहिर चौधरी जुड़े हुए थे। तो लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का विवाद इसी तरीके से बना रहता है और एक डिस्प्यूटेड एरिया के तौर पर भारत पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो हमेशा से चलता रहा है, पर बड़ा सवाल यही कि पीओके में जो बस सर्विस शुरू करने की जो आइडिया लेकर आए और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान, क्या भारत को इसमें विश्वास लेने की जरूरत नहीं थी? क्योंकि आखिरकार वो हिस्सा भारत का ही है। डिबेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।